आज कक्षा छः के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा छः विषय हिंदी। देख रहे ना, पूर्णांक 100, समय 2 घंटे, सेट तो 5 होगा। कई पेपर मैंने डाल दिया है, 6 भी हो सकता है, लेकिन मैं 5 लिख रहा हूँ। पूरा पेपर वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल में देखेंगे पूरा पूरा पेपर। यदि आपके यहाँ पेपर लेट शुरू हुआ होगा, अब शुरू हुआ है, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 5, सेट 4 सभी आप देखने को पा जाएंगे। पहले एक बार इत्मीनान से पूरे चैनल के सभी पेपर को देखेंगे, फिर आप अपने विद्यालय में परीक्षा देंगे पूरी तैयारी के साथ। पूरा याद करके जाएंगे जितना पढ़ाया गया है, आपका पूरा किताब कंप्लीट हो चुका है। अगर पूरा पेपर आप कंप्लीट कर लेते हैं 5 सेट तो आप परीक्षा देंगे धैर्य साथ। उसके बाद चेक करेंगे कौन सा सेट आपके यहाँ आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा, फिर अपनी तैयारी पूरी करके जाएंगे। तैयारी में ढिलाई नहीं करना है। और यह मार्केट का क्वेश्चन पेपर है, समझ रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से इतना शेयर करना है कि श्री गणेश अकेडमी सर्च रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करे। देख रहे हैं ना, और आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देख रहे हैं ना, अब वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखेंगे। राजा, रात, सोना, दिन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। देख रहे हैं क्या है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं पर्यायवाची शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है सबको पूरा। उसके बाद और आगे पूरा पर्यायवाची का पूरा चैप्टर ही मैं डाल दे रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। देख रहे हैं ना, पर्यायवाची है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा पर्यायवाची है। ये आपको पर्यायवाची लिखना है, ए विलोम था, ए है पर्यायवाची, इधर है, ए है पर्यायवाची, गंगा, गणेश, घर, चंद्रमा, ये सब पूरा पर्यायवाची हैं। पूरा याद करके आएंगे, देख रहे हैं ना, बिल्कुल किनारा सब दिखाई दे रहा है, स्किप नहीं करना है आपको, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। देख रहे हैं ना, अब अगला दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शब्द की परिभाषा लिखिए। क्या कह रहा है, शब्द की परिभाषा लिखिए। तो बिल्कुल शब्द किसे कहते हैं, बिल्कुल बहुत सटीक शब्दों में लिखेंगे, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। शब्द किसे कहते हैं, देख रहे ना, शब्द एक या अधिक वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनता है, जैसे कमल, पानी, रोटी, मोहन, गणेश, मेरठ आदि। देख रहे ना, अगला क्वेश्चन है, अगला है, मोहना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पढ़ा। देख रहे ना, बिल्कुल स्किप नहीं करना है एक भी। और यह जूनियर हाई स्कूल एडेड विद्यालय का पेपर है, मतलब आप जानते हैं जहां 6, 7, 8 केवल मात्र 3 क्लास की पढ़ाई होती है, और वहां के अध्यापक को सरकारी वेतन मिलता है, इसको कहा जाता है जूनियर हाई स्कूल एडेड, मतलब एज मिला रहता है, सरकार वेतन उनको सरकारी मिला, उस विद्यालय का पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, जल्द से जल्द आपको वार्षिक प्री बोर्ड का पेपर मिलने लगेगा, जल्द से जल्द मुझसे जुड़ जाइए। इतना आप ऑल इंडिया में चैनल को फैला दीजिए, आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी जहाँ भी हो पर उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, परिचित करवाइए, ताकि वो भी लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है, मोहना का नाम क्यों 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 पढ़ा, तो इसके लिए देख रहे हैं क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। देख रहे हैं ना क्या है, देख रहे हैं, मोहना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पढ़ा। देख रहे हैं ना, तो अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। दिखाया, देख रहे हैं, मोहिना सवाल बहुत पूछती थी, तथा उससे कुछ भी कहने पर उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था, क्यों, अतः उसका नाम क्यों क्यों लड़की पड़ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, अति लघुतरी प्रश्न का है, बहुत छोटा है, हार की जीत पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो हार की जीत पाठ के लेखक का नाम सुदर्शन जी हैं, मतलब हार की जीत किसने लिखा है, सुदर्शन जी। कह रहा है परमात्मा एवं विद्यालय की संधि विच्छेद कीजिए। विद्या परमात्मा, देख रहे हैं परमात्मा, परम धन आत्मा परमात्मा, विद्या धनालय विद्यालय, देख रहे हैं ना, पीछे लिख दिया है मैंने, देख लीजिए, परमात्मा परम धन आत्मा परमात्मा, आकाशवाणी दीर्घा दीर्घ संधि है इसमें, विद्यालय का होगा विद्या धनालय बराबर विद्यालय। देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, लिखना है, अब बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खट सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, दिखाई दे रहा होगा। देख रहे हैं ना, बाबा भारती द्वारा प्रार्थना की गई डाकू खट सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका 19 आपके किताब में होगा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन।
ये है बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खट से क्या प्रभाव पड़ा, ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। बाबा भारती प्रार्थना की गई है और उसकी मानवता जाग उठी, उसने घोड़ा लौटा दिया। देख रहे हैं ना, इतना पूरा का पूरा वीडियो आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है भाई, कह रहा है बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा, आपके किताब का है, आप पढ़े होंगे, देख के लिखेंगे। राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, प्रश्नोत्तर है, आपके किताब का है। पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। आप पाठ के शीर्षक इसको देखिए, बिल्कुल पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक है, पाठ का शीर्षक आप भला तो जग भला का क्या आशय है। पाठ का शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय है, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है, देख रहे हैं ना। इस तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आप जग भला आशय को बताइए। कारक के भेद क्या है, कारक के भेद लिखिए, 101 पृष्ठ पर है, 101 पृष्ठ पे कारक, देख रहे हैं ना, कारक का भेद ए है, दिखाई दे रहा है ना। कारक 8 प्रकार के होते हैं, उनके भेद चिन्ह तथा उदाहरण दिए जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, देख रहे हैं ना। पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अधिकरण सप्तमी को अधिकरण कहते हैं, आठवां को संबोधन। कारक का चिन्ह भी लिख देंगे, ने, को, से, के द्वारा, के लिए, को से अलग होने में, का, के, की, में, पर, हे, अरे, देख रहे हैं ना, बिल्कुल दिया गया कारक का भेद। आगे फिर पूछ रहा है क्या भाई, कह रहा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में है, प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। वर्ण वर्ग के फूल खिले थे, झलमल 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 कर हिम बिंदु खिले मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, देख रहे हैं ना। अब इसके लिए आपको लिखना है, देख रहे हैं ना, यहाँ से आया है वर्ण वर्ण के, पहले प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक अक्षरा के माह कह एक कहानी, ये पाठ का नाम है माह का, माह कह एक कहानी नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये प्रसंग हो गया, व्याख्या, रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झील मिला रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे, तालाबों में पानी लहरा रहा था, हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ, देख रहे हैं ना, इसका अर्थ है, भावार्थ है। अगला देखते हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मूर्ख मित्रम पाठ का सारांश लिखिए, मूर्ख पाठ का सारांश, देख मूर्ख मित्रम, देख रहे हैं ना, ये पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे हिंदी में, अनिवार्य संस्कृत का है, मूर्ख मित्र जो बंदर को उन्होंने सेवक बनाया था। इस तरह से अगला क्वेश्चन ये है, प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना, तो इसी तरह से लिखा जाएगा, शुल्क माफ़ी के लिए श्रीयुक्त प्रधानाचार्य महोदय राजकीय इंटर कॉलेज, इसको बदल देंगे, अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, श्रीमान जी अब निवेदन यह है कि मुझे रात्रि से बुखार आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, क्या है, गरीब किसान है और वह मेरे आप मुझे पढ़ाने में असमर्थ हैं, मेरी फीस वह प्रतिमाह विद्यालय में जमा नहीं कर सकते हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे शुल्क मुक्त कर दिया जाए जिससे मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर सकूं, आपका आज्ञाकारी। फिर यहाँ नीरा अपना नाम, रोल नंबर, कभी दिनांक जिस दिन लिखेंगे उस दिन परीक्षा में इसको पूरा लिखेंगे। अगला देखते हैं, हमारा विद्यालय एवं दीपावली, जितना पेपर डाला गया है सभी में मैंने निबंध दिखाया है, बोला है, लेकिन फिर देख लीजिए, ये हमारा विद्यालय का निबंध है, देख रहे हैं ना, हमारा विद्यालय आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल 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 आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है हमारा विद्यालय भी निबंध, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, देख रहे हैं ना, पूरा इतना शेयर करना है कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। कहा है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर, पहला कस नासका छिन्ना भवत, किसकी नाक कट गई थी, तो कस की जगह हम लिखेंगे नृप नासका छिन्ना भवत, राजा की नाक कट गई थी। नौका केन निर्मिता, नाव किससे बनी थी, तो नौका पत्र
निर्मता, नाव पत्र से बनी थी, कागज की बनी हुई थी। देख रहे हैं आगे है पीटीओ, कृपया पन्ना पलटिए, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। देख रहे हैं ना, शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। यहाँ पर मच्छिका, खटगेन, न्यावारत मतलब मच्छिका माने मक्खी, माछी, खटगेन माने तलवार से, निवारत माने हटाता था, तो मच्छिका या मक्खी है मिला दिया गया है, खटगेन तलवार से मिला दिया गया है, निवारत हटाया से मिला दिया गया है। देख रहे ना, फिर निम्नलिखित में किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, सुमित्रा नंदन पंत, कबीर दास। देख रहे ना, ये आपका जीवन परिचय आपकी किताब का है, देख के लिख देंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।